डेनमार्क के साथ मजबूत रिश्तों का नया अध्याय। पीएम मोदी के जोरदार स्वागत के बीच व्यापार और तकनीकी को लेकर अहम समझौते। पीएम ने की यूक्रेन युद्ध विराम की अपील। जोधपुर में धार्मिक झंडा फहराने पर हिंसा के बाद सियासत तेज। बीजेपी ने लगाया सुनियोजित साजिश का आरोप। कांग्रेस का एक दल पहुंचा जोधपुर। राजस्थान का नागौर भी हिंसा से झुलसा। ईद मनाने के दौरान एक ही समुदाय के दो पक्षों में पथराव। यूपी के संभल में भी एक ही समुदाय के लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में राज ठाकरे के खिलाफ केस। घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। सरकार की चेतावनी, संपत्ति को नुकसान तो होगी वसूली। और उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचकर भावुक हुए योगी आदित्यनाथ। मां बाप और गुरु अवैधनाथ को किया याद। संन्यास के 28 साल के बाद पहली बार अपने पैतृक घर में बिताएंगे रात। आप देख रहे हैं आज तक।